अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 12 ऐसी हेयर केयर टिप्स जिन्होंने मेरे बालों को मजबूत बनाने में, लंबा और घना करने में और साथ में हेयर फॉल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है। इन हेयर केयर टिप्स को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ और इनकी वजह से मेरे बालों में इनक्रेडिबल चेंजेस आई हैं और ये बहुत सिंपल सी टिप्स हैं। अगर आप इनको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएंगे तो आपको भी अपने बालों के अंदर इनक्रेडिबल चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 जो यहाँ पे है, जब भी आप अपने हेयर वॉश करने हैं हमेशा शैम्पू को पानी में डिल्यूट करके ही आपने अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें के अंदर केमिकल होता है तो ये बहुत हार्मफुल होता है हमारे बालों के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए बहुत हार्मफुल होता है। हमेशा डिल्यूट करके ही इस्तेमाल करें, प्लस इकोनॉमिकल भी है। इसके अलावा आपने टॉवल को बहुत टाइम तक अपने बालों में नहीं रखना, जस्ट 5 मिनट्स के बाद आपने अपने टॉवल को रिमूव कर देना है जी। तो टिप नंबर 2 है जी, कभी भी अपने बालों को इस तरीके से आपने पुल आउट नहीं करना, क्योंकि इससे आपके बालों का ब्रेकेज जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और इससे हेयर फॉल होने लगता है। इसकी बजाय आप जेंटली टॉवल की हेल्प से प्रेस करते हुए अपने बालों को ड्राई करें, ना कि इनको पुल आउट करें, और इससे आपका हेयर ब्रेकेज भी नहीं होगा और हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। टिप नंबर 3 है कि आपने कभी भी अपने गीले बालों में कंघा नहीं करना, क्योंकि इससे आपका हेयर फॉल भी बढ़ जाएगा और इससे आपकी हेयर ब्रेकेज भी बढ़ जाएगी। इसकी बजाय आप लोग अच्छे तरीके से अपने बालों को ड्राई करें, एयर ड्राई करना है, उसके बाद आपने बॉटम से ऊपर की तरफ जाना है कॉम करते हुए। यहाँ से आपने एंड से हमेशा कॉम को स्टार्ट करना है, कंघा करना स्टार्ट करना है बालों के एंड से, और ऊपर की तरफ आपने कॉम करते जाना है। टिप नंबर 4 है जी, अपने बालों पे लाजमी आप हेयर सीरम अप्लाई किया करें, क्योंकि इससे बालों को डिटेंगल करने में बहुत हेल्प होती है और इससे इजीली आपके बाल जो है वो डिटेंगल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 से 5 ड्रॉप मैं ले लूँगी इसके सीरम के, और इसको आपने अच्छे से अपने पूरे हेयर्स पे अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा सीरम भी अप्लाई नहीं करना, 4 से 5 ड्रॉप मेरी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंगली इनफ है। तो आप लोग अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे बालों को डिटेंगल करना बहुत ईजी होता है, अच्छे से आपके बाल सुलझ जाते हैं। टिप नंबर 4 है कि हमेशा वाइट टूथ कॉम्ब यूज करें, इससे हेयर ब्रेकेज काफी हद तक कम हो जाती है। टिप नंबर 5 है जी, अपने नेल्स को आपने रब करना है डेली फॉर द 5 मिनट्स। इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन आपकी इंक्रीज होती है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ में अच्छा इजाफा होता है, प्लस इससे आपके बाल स्ट्रांग होंगे, लॉन्ग होंगे, डेंस होंगे और थिक होंगे। और इसके अलावा इसके स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिट हैं, आपकी स्किन भी इससे ग्लो करती है। टिप नंबर 6 है, जब भी आपने हेयर टाई करने हो हमेशा आप लोग सॉफ्ट फैब्रिक से बनी हुई पोनी या स्क्रंचीज यूज़ करनी है, जिसमें वेलवेट है, सिल्क है या कोई भी सॉफ्ट मटेरियल हो उसकी बनी हुई आप लोग स्क्रंचीज यूज़ कर सकते हैं। और रबर बैंड अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपका हेयर ब्रेकेज बढ़ सकता है और इससे हेयर फॉल भी इंक्रीज हो सकता है। हमेशा जब भी पोनी करें तो लूज टाई करें, बहुत ज़्यादा टाइट पोनी ना बांधें, इससे भी आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है और हेयर ब्रेकेज भी आपकी बढ़ सकती है। नंबर 7 है, हमेशा आप अपने बालों के एंड्स को एवरी 3 मंथ में आप लोग ये कट करें। तकरीबन आप लोगों ने 1 इंच या 1/2 इंच लाजमी आपने अपने स्प्लिट एंड्स को रिमूव करना है इन एवरी 3 मंथ। इससे क्या होगा कि आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो डबल होगी और जितना भी पोर्शन होगा वो आपके बालों के स्कैल्प से लेके एंड तक आपके पूरे बालों को ही खुराक मिल पाएगी और इससे आपकी लुक भी प्रेजेंटेबल हो जाती है। टिप नंबर 8 है, जब भी आपने सोना हो सोने से पहले आपने नाइट टाइम में लाजमी आपने ब्रेड बनानी है, लूज सी ब्रेड बनानी है, बहुत टाइट ब्रेड नहीं करनी है। आपने लूज सी ब्रेड बना के उसको सिक्योर करके तब आपने सोना है, आपने खुले बालों के साथ हरगिज़ भी नहीं सोना। इससे क्या होगा कि आपका हेयर ब्रेकेज भी बढ़ सकता है और हेयर फॉल भी होता है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप इस तरीके की 3 स्ट्रैंड ब्रेड लूज सी बना लेते हैं सोने से पहले, तो इससे आपका हेयर ब्रेकेज भी नहीं होगा और हेयर फॉल भी नहीं होगा।
टिप नंबर 9 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये स्टेप है जी हेयर ऑयल का। हेयर ऑयल आपके पास कोई सा भी हो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, 3 times इन अ वीक आपने मस्ट करना है। अगर आप लोग डेली अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 3 times इन अ वीक आपने लाजमी इसको अप्लाई करना है। जो यहाँ पर हेयर ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ ये है जी अनियन हेयर ऑयल, इन्फ्यूजन वाला जो ऑयल मैंने बनाया हुआ है, इसकी रेमेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। अनियन हेयर ऑयल बाय मारिया शाह आप लिखेंगे तो आपको इसकी रेमेडी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इनक्रेडिबल हेयर ऑयल है, इससे बहुत अच्छे और बहुत ही फास्ट रैपिड हेयर ग्रोथ होती है। इस हेयर ऑयल के यूज़ करने से आपको विजिबल चेंजेस देखने को मिलेंगी अपने बालों में। आपके फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही आपके बाल नरिश, सॉफ्ट और बहुत ही खूबसूरत आपको नज़र आएंगे, और 3 से 4 एप्लीकेशन के बाद ही आपको आपके हेयर फॉल में विजिबल कंट्रोल नज़र आएगा। अगर आप इसको 1 से 2 months के लिए ट्राई करते हैं तो ये गारंटीड रिजल्ट है इसके कि आपका हेयर फॉल कम्प्लीटली कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, आपने जब भी हेयर ऑयल जो है अप्लाई करना है अपने स्कैल्प के अंदर तो इसको अच्छे तरीके से आपने स्कैल्प में आपकी हेयर लेंथ पे आपने लाजमी अप्लाई करना है। इसको अच्छे तरीके से आपने 5 से 6 minutes का मसाज देना है हेयर स्कैल्प में, और अगर हो सके तो थोड़ा सा इसको ल्यूक वार्म कर लें। डबल बॉयलिंग मेथड के थ्रू आप अच्छा सा इसको गर्म करके अप्लाई करें, उससे क्या होता है कि ये बहुत ईजीली आपकी जड़ों के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है आपका हेयर ऑयल, और इससे इसके रिज़ल्ट डबल हो जाते हैं। आप हमेशा इसको हेयर वॉश करने से 3 से 4 घंटे पहले इसको अपने बालों में अप्लाई करें। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी अप्लाई कर सकते हैं। टिप नंबर 10 जो है वो है हमारा हेयर मास्क। यहाँ पे मैं एग हेयर मास्क बना रही हूँ, इसकी भी रेमेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। यहाँ पे मैंने अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग 2 eggs ले लिए हैं, 1 tablespoon भर के मैंने योगर्ट ले लिया है, साथ में मैंने सरसों का तेल ले लिया है, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं बिलीव मी इस हेयर मास्क के। इससे आपके हेयर लॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और हेयर फॉल बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। इससे आपको 3 से 4 एप्लीकेशन के बाद ही आपको डिफरेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। प्लस इससे आपके बाल थिक होंगे, डेंस होंगे, स्मूथ होंगे, शाइनी होंगे और सिल्की होंगे। तो ये हमारा हेयर मास्क जो है वो तैयार हो गया है, अभी इसको मैं अप्लाई करूँगी। आप लोग चाहें तो इसको वीकली भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग अगर आपके पास टाइम हो तो आप हर 3 days के बाद भी इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर आप वीकली भी नहीं ट्राई कर सकते तो एटलीस्ट 15 days में इस हेयर मास्क को लाजमी आप लोग ट्राई करें, इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। अच्छे से आपने अपनी स्कैल्प में इसको अप्लाई करना है, हेयर लेंथ में आपने इसको अप्लाई करना है, और इसको आपने अपने बालों में तकरीबन 1 घंटे के लिए रखना है, और शावर कैप से इसको ज़रूर आपने कवर करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड और ड्राई हो जाएगा तो आपके बालों से इसको धोने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इस तरीके का बन बना के आपने इसको किसी भी प्लास्टिक बैग से या पॉली बैग से आपने रैप करके 1 घंटे के लिए रखना है, उसके बाद आपने शावर ले लेना है। सो हेयर इज़ द रिज़ल्ट, आप लोग देख सकते हैं मेरे बाल कितने अच्छे से डेंस और बहुत ही स्मूथ नज़र आ रहे हैं। टिप नंबर 11 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है। आप लोग अपनी हमेशा डाइट को जो है वो बैलेंस रखें, जो भी आप लोग खाना खा रहे हैं उसको बैलेंस रखें, क्योंकि अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने चाहिए। जो लास्ट टिप है वो अपने आप को हाइड्रेट रखना। आप अपने पानी का इंटेक कंप्लीट करें। अगर आपको अच्छी हेयर ग्रोथ चाहिए और अच्छी स्किन चाहिए, कम से कम 8 से 10 glasses रोज़ाना आपने अपने वाटर के कंज्यूम करने हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।